हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो अभी मार्केट्स ओपन होने वाले 1 मिनट के अंदर ही, और ये कुछ निफ्टी की पोजीशंस होल्ड करके बैठा था। आज फिफ्थ डे है, 4 दिन से होल्ड कर रहे थे, फ्राइडे से शायद होल्ड करते आ रहे हैं। तो फिलहाल इसमें आज टारगेट्स अचीव होंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग होने वाली है, और गैप अप ओपनिंग के बाद अगर थोड़ा भी अच्छा मोमेंटम मिल जाता है तो हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो जाएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी कुछ फ्यूचर्स ऐड किए हुए, और ये जो निफ्टी का ट्रेड था दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रेड था, बहुत ही ईजी ट्रेड था, और इसकी जो एनालिसिस है वो भी आप लोग के शेयर करूंगा। तो आई होप कि आपने भी ऐसे ट्रेड लिया ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने ट्रेड लिया होगा। अगर आपने नहीं लिया था ये ट्रेड और इसको मिस आउट कर लिया है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा ओके फाइन। मार्केट्स ओपन हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है, और जो निफ्टी के फ्यूचर्स है अभी हमें जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है उससे 50 पॉइंट्स दूर है। तो लेट्स सी, गुड मोमेंटम आता है कि 50 पॉइंट और आगे जा पाते हैं कि नहीं। सो आज सिखाऊंगा कैसे ये ट्रेड लिया था, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सिंपल और बहुत अच्छी एनालिसिस थी। तो एक बार चार्ट्स भी अभी हम देख लेते हैं। तो ठीक है गाइज, ये फिलहाल निफ्टी में गैप अप ओपनिंग दिख रही है और महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेल ऑफ दिख रहा है, बट एनीवेज वेट करेंगे थोड़ा। तो अभी तो जस्ट मार्केट स्टार्ट हुए हैं, तो लेट्स सी कैसे आगे दिन चलता है। तो गाइस, इधर आप जैसे देख सकते हो, मैंने एक्चुअली एक शॉर्ट ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी का, लेकिन बहुत जल्दी छोड़ दिया उसको। शायद 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, बहुत छोटा सा प्रॉफिट है जो लिया था ट्रेड उसके कंपेरेटिव। और वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि निफ्टी में आप जैसे देख सकते हो अच्छा मोमेंटम अपसाइड पे कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसा एक आई एम डाउटफुल कि बैंक निफ्टी भी फिर इसके पीछे पीछे ट्रेंड होना शुरू कर सकती है। अभी तक तो बैंक निफ्टी में कोई स्टेप का ट्रेंडिंग मूव नहीं आया है, बट देन वो आ जाएगा, तब तक फिर हमारा शॉर्ट ट्रेड लॉस में आ जाएगा। तो उससे पहले मुझे थोड़ा सा डाइसी लगा शॉर्ट ट्रेड में, इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया। सो एनीवेज, उसमें लॉस में तो एग्जिट किया ही नहीं, तो नहीं लिया था वो ट्रेड, ऐसा समझ लेंगे। और निफ्टी में फिलहाल अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है, तो लेट्स सी क्या आज टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। गाइस, तो जो मॉर्निंग में एक अच्छा मूव आना था, मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट आ ही चुका है, क्योंकि काफ़ी देर से आप देखोगे तो ये साइडवेज ही हो गया। आधे घंटे से कोई खास अब मूव नहीं आ रहा है। जो सुबह एक जो मॉर्निंग का मूव था वो आ चुका है, और हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव्ड ही है। हमको जहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करने थे वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मैं खाली वेट कर रहा था, शायद और अगर मोमेंटम चल जाता है तो और 25-50 पॉइंट आ सकते हैं, तो ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है। और मैं फिलहाल अभी यहाँ पे ये महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें आप देखोगे तो सेल ऑफ आ गया, ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस के आसपास आ गया, खाली 9,000 के आसपास प्रॉफिट बचा हुआ, 9-10,000। तो उसको भी अब एक बार एग्जिट कर लेंगे, और निफ्टी के जो टारगेट्स है वो अचीव्ड है, इसलिए उसको भी प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में वापस से एंट्री मिलेगी, अगर नीचे से रिवर्स आया तो वापस से लेंगे भी। तो लेट्स सी, अभी फिलहाल मैं सबसे पहले तो ये प्रॉफिट्स बुक कर लेता हूँ, दोनों को एक साथ ही मैंने क्लोज कर दिया है गाइस। ओके, निफ्टी में हाँ 50 लॉट है ना, इसलिए एक साथ 50 लॉट एग्जिट नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, उसको हम पहले 1800 क्वांटिटी एग्जिट कर लेते हैं, जो 1800 एक साथ कर सकते हैं, और फिर 700 वापस से कर लेंगे। 1800 हो गया, अभी 700 को वापस से एग्जिट। ठीक है गाइस, तो ये मैंने एग्जिट कर लिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा और निफ्टी दोनों की पोजीशंस को ही एग्जिट कर लिया है। सो अब लेट्स सी गाइस, महिंद्रा एंड महिंद्रा वापस से एंट्री कर ली, 10 लॉट्स वापस से ले लिए, क्योंकि हमें उतार के नीचे से तुरंत ही पलटने लग गया, तो ऐसे तो नहीं होने देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा ही है, इधर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस मुश्किल से खाली 6 या 7 पॉइंट्स का है, जो कि अभी डे लो है, जो अभी डे लो एग्जैक्टली बना हुआ है वहीं पे स्टॉप लॉस है। तो इतने छोटे स्टॉप लॉस में कोई ट्रेड मिल रहा है तो बढ़िया ही है, क्योंकि स्टॉक तो अप ट्रेंड में ही है, हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक था और यहाँ से निकल जाएंगे, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी कि वापस से हम ऊपर निकल जाएंगे, हो सकता है डे हाई तक भी आ जाए, या जितना चलेगा अभी चलने देंगे, फिर जब लगेगा कि अटक गया तब एग्जिट कर लेंगे वापस से। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एग्जिट वापस ही कर लेंगे, होल्ड भी मैं कर सकता हूँ, बट देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं निफ्टी में जो है एक अच्छा मूव आ गया है। और अब आप निफ्टी में, ठीक है ऑफकोर्स मुझे अभी देख के ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि मैं जल्दी निकल गया, बट देन कितनी बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि एक अच्छा मूव आता है उसके बाद वापस से पुल बैक आता है। क्योंकि ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे मैक्सिमम वो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ब्रेकआउट हो गया, अच्छा मूव आ रहा है, अरे निफ्टी बहुत ऊपर जा रहा है, ऐसे करके अंदर एंट्री लेते हैं, वाह महिंद्रा महिंद्रा चलना शुरू हो गया, ठीक है, तो उसमें हम निफ्टी में एंट्री ले लेते हैं, और फिर उनके एंट्री लेते ही आधे एक घंटे में पूरी गेम पलट जाती है और सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। और जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं फिर वहाँ से हम वापस से नई एंट्री ढूंढेंगे, इसलिए हमें 1-2 दिन में वापस से वो अच्छा ट्रेड मिल ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सो ठीक है, अभी फिलहाल तो खाली महिंद्रा एंड महिंद्रा पकड़ा हुआ है, देखते हैं क्या मिलता है, महिंद्रा महिंद्रा में स्टॉप लॉस मिलता है क्या, उसमें कुछ मिलते हैं थोड़े पैसे।
अभी ये फिलहाल महिंद्रा एंड महिंद्रा को एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो ओके फाइन एग्जिट हो गया है और ऑलमोस्ट 598 का प्रॉफिट बैठा। और ये एक्चुअली इंट्राडे ट्रेड्स में इतने लेता नहीं हूँ, इंट्राडे में इसलिए भी बुक किया है क्योंकि अब लिया था और निफ्टी में जो सेल ऑफ आएगा ऐसी एक एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अगर निफ्टी निकल जाती तो कम से कम इसमें हमें और प्रॉफिट होता, इसको होल्ड भी कर लेते। बट देन जैसा लग रहा था निफ्टी में सेल ऑफ चालू हो गया और महिंद्रा एंड महिंद्रा फिर भी प्रॉफिट्स बचे थे, तो मार्केट में जब सेल ऑफ आता है तो ज़्यादातर स्टॉक्स भी धीरे धीरे फिर नीचे आते हैं। इसके लिए एक बार के लिए फिलहाल महिंद्रा एंड महिंद्रा एग्जिट कर लिया, उसके प्रॉफिट्स बुक कर लिए। अब चलते हैं एनालिसिस पार्ट पे, आपको सिखाता हूँ इस टाइप की अपॉर्चुनिटी आप कैसे ले सकते हो, बहुत ईजी है, इस टाइप के ट्रेड्स मिस मत किया करो गाइस। ओके गाइस, तो एनालिसिस पार्ट पे आ जाते हैं, मार्केट्स भी क्लोज हो चुके हैं। इधर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल था, इधर नीचे से 200 EMA, मैंने आपको लास्ट टाइम भी लास्ट मंथ एक ट्रेड पोस्ट किया था निफ्टी का, ये इस टाइप का कुछ एक इस टाइप का नहीं था एग्जैक्टली, मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का था जो हमने एंट्री ली थी उसकी गाइस। तो निफ्टी में लास्ट मंथ हम लोग ने ऑलरेडी एक ट्रेड लिया था जो हमने इस टाइप के ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी और 200 EMA नीचे आप देख रहे हो, 200 EMA से भी कहीं ना कहीं उसने सपोर्ट लिया था, मैं ऐसा बोलेंगे उसके पास से रिवर्सल था और ये इधर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, तब इधर एक एंट्री ली थी और फिर कहीं ना कहीं ऊपर प्रॉफिट्स बुक किए थे। तो ये भी एक ट्रेड लास्ट मंथ हमने लिया था जो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट भी किया था, और फिर उसके बाद वेट कर रहा था 200 EMA पे आएगा तब कोई अच्छा ट्रेड सेटअप ढूंढेंगे। और एग्जैक्टली ये जो एक रिवर्सल है ये भी हमने लिया ही था, यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स भी चालू हो गए थे, फिर वापस से नीचे गिरने लगा था, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस के आसपास या बहुत छोटे प्रॉफिट्स में एग्जिट कर लिया था ट्रेड को कि वापस से री एंट्री मिलेगी तब वापस से अच्छे एंट्री सेटअप ढूंढ लेंगे। और फिर फाइनली ये नीचे जाके इस टाइप से ये 200 EMA को जैसे ही इसने क्रॉस किया दोस्तों, ये ट्रेड सेटअप मैंने ले लिया था और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे 2 से 3 सेशन में ही बहुत एक अच्छा मूव मिल गया और हमने कहीं यहाँ पे आसपास ऊपर अपने प्रॉफिट्स बुक किए। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जब इसको बाय करने आते हैं फिर कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ आता है, उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, नीचे भी गिरा सो जो एक्सपेक्टेशन था। तो इस टाइप से सिर्फ 200 EMA भी आप यूज़ करोगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा, आपको सिर्फ इतना देखना है कि 200 EMA के ऊपर जो EMA वो अप स्लोपिंग में है तो अप ट्रेंड चल रहा है, शॉर्ट सेल नहीं करना है, नीचे से बाय करके ऊपर जाना है तो नीचे से बाय करने की खाली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना है बस, दैट्स इट। और ऐसा नहीं खाली निफ्टी में ट्रेड करना है आपको, जब तक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिल रही तो दुनिया भर के स्टॉक्स से रोज हर नई अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, जब उसको पेशेंटली वेट करना है और जब मिलता है तब उसको एग्जीक्यूट करना है। और एग्जैक्टली और हम डीपर कैसे सीख हम कैसे ट्रेड करते हैं डीपर, आपको और सीखना है तो मेरे वेबसाइट पर आ सकते हैं trendtradercurrent.com, मेरा कोर्स भी है। सो एनीवेज गाइस, वीडियो में कुछ मजा आया हो तो मुझे लिख के बताना कमेंट बॉक्स में, और ये जो सेटअप है इस टाइप से आप ढूंढो ट्रेड करो मजा आएगी, और अगर मेरे साथ जुड़ना है तो मेरी वेबसाइट पर आ सकते हो trendtradercurrent.com। सी यू गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का खास ख्याल रखें क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी।